हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त। इस बार मैं लाया हूं आपके लिए राग अहिर भैरव की एक क्लासिकल बंदिश। अहिर भैरव जो कि प्रातःकालीन एक बहुत बढ़िया सा बहुत स्वीट राग है, तो इस राग की एक बंदिश मैं आपके सामने पेश करूं इसके नोटेशन के साथ, ट्यूटोरियल के साथ। इससे पहले मैं राग अहिर भैरव का परिचय आपको दे देता हूँ। राग अहिर भैरव संपूर्ण जाति का एक राग है जिसमें सारे स्वर आते हैं, कोई स्वर वर्जित नहीं है। इसमें रे और नी कोमल लगते हैं क्योंकि इसका नाम ही अहिर भैरव है। ये भैरव थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। हालांकि भैरव थाट में रे और ध कोमल आते हैं, लेकिन इसमें रे और नी कोमल है, फिर भी इसको भैरव थाट में वर्गीकृत किया गया है। ये राग पूर्वांग में भैरव है और उत्तरांग में काफी है, इसलिए उत्तरांग में इसमें नी कोमल लगता है, पूर्वांग में रे कोमल लगता है। इस राग का वादी स्वर है मध्यम यानी म, और संवादी स्वर है सा यानी षड्ज। ये उत्तरांग प्रधान राग है और इसमें भक्ति रचनाएं, श्रृंगार रस और विरह रस के रचनाएं बहुत सारी पाई जाती हैं। बहुत सारे भजन कीर्तन भी इस राग में मिल जाते हैं। ये प्रातःकालीन सुबह दिन के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता हुआ ये राग है। तो हम इसकी एक एक लाइन बंदिश की सीखे इससे पहले ये बंदिश पूरी की पूरी फ्लूट पे सीख लेते हैं, सुन लेते हैं। इसके बाद हम इसके शब्द और इसके नोटेशन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये स्वर लिया है काली पांच यानी ए सा। हम बजाएंगे ये बंदिश के साथ तीन ताल 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड में, और ये बंदिश शुरू होती है 12वीं मात्रा से। Yeah.
पहली लाइन है जो कि 12वीं मात्रा से शुरू होती है। करम कर दे मो पे करता धनी द म ग म र सा नी नी सा र सा। फिर से धनी द म ग म र सा नी नी सा र सा। करम कर दीजे
आहिर भैरव की ये एक पारंपरिक पुरानी बंदिश है, आप अवश्य इसको तैयार कीजिएगा। दूसरी भी एक बहुत फेमस हम दिल दे चुके सनम पिक्चर में जो आई है, अलबेला सजन आयो रे। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। तो ये जो बड़ी फेमस बंदिश है, ये मैं कुछ समय में आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूंगा। अभी के लिए ये पुरानी पारंपरिक अहिर भैरव की बंदिश अच्छी है, काफी है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। मेरी इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा, आपको बड़े अच्छे अच्छे रागों के क्लासिकल बंदिश के ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत देखा है, सराहा है और कई सारी कमेंट्स भी दी है, बहुत सारी फरमाइशें भी मिली हैं, तो मैं उसको पूरी करने की कोशिश करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Ooh.